देखते हैं, पूरे बिहार के विजन को देखते हैं कि बिहार में किस तरह से तरक्की हो, बिहार में किस तरह से एक आईटी सेक्टर हो, जिससे बिहार में किस तरह से जो है अस्पतालें हों, सारे मुहिम को लेकर, उसी सारे मुहिम को लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हम लोगों ने कहा, हम लोग का नारा है, हम लोग के पार्टी की नारा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उसी मुहिम में बिहार के डेवलपमेंट के बारे में बहुत विस्तार से उसमें जानकारी दी गई है। अगर ये तो मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, उसमें हर एक प्रकार का जो हमारा बिहार उन्नत बिहार हो, विकसित बिहार हो, हमारे बिहार की दिशा कैसे बदले, हम लोग रोड नाला से आगे ऊपर आकर किस तरह से हम लोग सोचें, क्योंकि अब हमारा एक साथ हम लोग आज़ाद हुए, हम कई राज्य जो है कहाँ पहुँच गया है, दिल्ली मुंबई ऐसे जैसे भी मेट्रो सिटी देखें, और यहाँ तक कि बिहार को पिछड़ा राज्य बोला जाता है। आज़ाद तो हम लोग साथ हुए, तो फिर हमारे विकास में बाधा क्यों? विकास में बाधा इसलिए है कि हम लोग उस तरह से निश्चित रूपेण जो है जंगल राज में जो फंसे, उसके बाद से कभी भी विकास को रफ्तार नहीं मिल सका है। उस बिहार में विकास का रफ्तार बना रहे, उसी में हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर आए हैं। नई सरकार का गठन हुआ है, भागलपुर विकास कार्य में किस तरह से तेजी रुक लेगा? देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन जो है हम लोग का पूरा आशा और उम्मीद हम लोग के बगल के जिला के माननीय सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री बने, उनसे हम लोग को बहुत उम्मीद है कि भागलपुर को एक नई विकास का रफ्तार मिलेगा। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से विख्यात था, और वो सिल्क सिटी के नाम से कहीं ना कहीं हम लोग जो है अब उससे हट चुके हैं, जो विश्व में हम लोग का नाम था कि भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से। तो हम चाहते हैं, आग्रह करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से कि भागलपुर में फिर किस तरह से सिल्क सिटी आगे बढ़े, किस तरह से हमारे बुनकर भाई, जितने भी बुनकर भाई हैं, बुनकर भाई को किस तरह से जो है सपोर्ट मिले कि हम लोग फिर से उसी सिल्क सिटी के नाम से जाने जाएं। रहा भागलपुर में विकास की बात, तो देखिए यहाँ पर नगर आयुक्त के द्वारा जो भी फैसला लिया गया था, निश्चित रूपेण वो हित में नहीं था। अगर विकास चाहते हैं तो नगर आयुक्त और हम लोग के महापौर दोनों का समन्वय बैठाना होगा, और भागलपुर में तभी हम लोग पूर्ण विकास देख सकेंगे, ऐसे देख पाना बड़ा मुश्किल है। नाथनगर विधानसभा को लेकर जो बुनकर अभी हैं, पलायन हो रहे हैं, तो उसको लेकर फिर से एक बार पुनर्गठन करने की जरूरत है कहीं कहीं। देखिए, भागलपुर अगर सिल्क सिटी के नाम से जाना गया तो सबसे बड़ा उसमें नाथनगर का हाथ है, क्योंकि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बुनकर पाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये सिल्क सिटी का जो हम लोग खो दिए, उसमें सबसे ज़्यादा नाथनगरवासी खोए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार का बहुत अच्छा साधन संसाधन था बुनकर, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सुविधा का अभाव है, सरकार के द्वारा उसे समुचित सुविधा नहीं दी जा रही है। अगर वो समुचित सुविधा दें तो यहाँ पर सभी लोग काम करने के लिए तैयार हैं। सुविधा के नहीं देने से जो है यहाँ पर कितनी फैक्ट्रियाँ, कितना वो सब चीज़ बैठ गया है। हम आग्रह करते हैं कि सिल्क सिटी फिर से उजागर हो, और जो है हमारे बुनकर भाई को सुविधा दी।